नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, 14 फरवरी 2019 शाम के करीब 3:20 हो रहे थे। इसी वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बड़े काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान से ज्यादा शहीद हो गए, तमाम भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलवामा में अवंतीपुरा के गोरापुरा इलाके में सीआरपीएफ की 78 बटालियनें जा रही थी, वहीं ये हमला हुआ। कश्मीर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद पूरी दक्षिण कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। फिलहाल अवंतीपुरा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कई कंपनियां लगा दी गई। इससे पहले भी सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया था और कहा था कि आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी कहते हैं। पुलवामा हमले के बाद से भारत पाकिस्तान में तनातनी बढ़ रही है। 25 फरवरी के रोज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन पाकिस्तान के बालाकोट और पीओके मुजफ्फराबाद इलाके में घुस गए। इसी इलाके में पाकिस्तान की शह पर टेरर कैंप चलते हैं। इन टेरर कैंपों पर 1000 किलो बम गिराए गए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कल क्या हुआ। भारत ने भी पाकिस्तान के एक F-16 विमान को गिरा दिया है। ये वही विमान है जो भारतीय सीमा में घुसा था। बताया जा रहा है, जब पाकिस्तान ने ये विमान गिराया, ये पाकिस्तान की सीमा के 3 किलोमीटर अंदर जा चुका था। नुशहरा सेक्टर के लैम वैली इलाके में ये बताया जा रहा है। चलिए अब आपने पूरी कहानी तो सुन ली, जानते हैं भारत और पाकिस्तान में चल क्या रहा है। भारत पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन के बीच भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान सेना के कब्जे में होने की दरकार में है। सरकार ने भी माना है कि हमारा एक विंग 21 विमान का पायलट मिसिंग है। अभिनंदन से जुड़े काफ़ी सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। मगर भारत की चिंता इस वक्त यही है कि अभिनंदन सुरक्षित वापस भारत आ जाए। दावा किया जा रहा है कि अभिनंदन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेगा। आपको बता दें कि भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान जैन तमिलनाडु के कांजीवरम के हैं, जो तमिल दिगंबर जैन अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कुशल वापिस आ जाए। इनकी वापसी के लिए जैन मंदिरों में नवकार मंत्र शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा, जिसके चलते आज शाम को बैठक होनी थी, लेकिन भारत की तरफ से बैठक को ठुकरा दिया गया और आगे की अपडेट का इंतज़ार है। अगर आपकी कोई भी राय है इस पूरी घटना को लेकर, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.arthprakash.com। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, उसे आप इंस्टॉल कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।